नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है टीवी 20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। आजमगढ़ से खबर है, जहां तहसील मार्टिनगंज क्षेत्र के ग्राम सभा भादो में आज वैक्सीनेशन करवाने वालों का तांता लगा रहा। सभी वर्गों के लोग टीकाकरण करवाने के लिए उत्सुकता से करवा रहे थे। जो भ्रामक अफवाह फैलाई गई थी, उसे जनता ने एक मंच पर होकर वैक्सीनेशन लगवाने का कार्य करी। सबको भ्रमित करने वाली अफवाह को जनता ने नकार दिया और उत्तर प्रदेश सरकार के कोरोना वैक्सीनेशन करवाने में अब पूर्णतया विश्वास देखने को मिल रहा है। आज पत्रकारों की टीम जब ग्राम सभा भादो में पहुंची तो वहां वैक्सीनेशन करवाने वालों का तांता लगा रहा। वहीं ग्राम प्रधान ब्रजेश पाठक द्वारा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लगभग 2000 से अधिक टीकाकरण अभी तक हो चुका है, आगे भी होगा। उन्होंने बताया कि उप जिलाधिकारी दिनेश मिश्रा व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय गुप्ता के नेतृत्व में बड़े जोरों शोरों से टीकाकरण का कार्य चल रहा है। लगवाने वालों का तांता देखने को मिला। स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से टीकाकरण अभियान में मुस्तैदी से डटी रही। पत्रकार द्वारा नवनिर्वाचित प्रधान ब्रजेश पाठक द्वारा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोटेदार आशा यहाँ नहीं दिखाई दे रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ग्राम भ्रमण करके बुलाने का कार्य कर रही हैं और अपने घर चले गए हैं। स्वास्थ्य टीम में ऐना मंजू, आशा संगिनी संध्या सिंह, कमलेश, नवनिर्वाचित प्रधान ब्रजेश पाठक आदि लोग मौजूद रहे। मीडिया से हुई बातचीत में ब्रजेश पाठक ग्राम प्रधान भादो ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। सभा भादों का यहाँ टीकाकरण लग रहा है, सब लोग लगवा रहे हैं, इसके विषय बताएं। यहाँ भादो गांव में आज 13वां दिन है जो लगातार टीकाकरण हो रहा है। उप जिलाधिकारी दिनेश मिश्रा और जो डॉक्टर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय गुप्ता के सहयोग से गांव वालों में काफ़ी उत्साह है, हर वर्गों में उत्साह देखा जा रहा है और गाँव वालों में काफ़ी उत्साह है और बढ़ चढ़ के लोग टीकाकरण करा रहे हैं। खासकर नौजवान और महिलाओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है जी। अब तक भादों में लगभग 2000 से अधिक लोगों द्वारा वैक्सीनेशन करवाया जा चुका है और आगे भी प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है कि और से और ज़्यादा ज़्यादा यहाँ टीकाकरण कैंप लगे ताकि और टीकाकरण हो सके। आपके नेतृत्व में चल रहा है? नहीं, नेतृत्व तो ग्राम पूरा गांव नेतृत्व कर रहा है। स्वतः सब लोग एक्टिव होकर के टीका लगवा रहे हैं और वैक्सीन कम पड़ जा रही है लगवाने में। अच्छा, हाँ, तो पिछले सप्ताह लगा था 27 तारीख को तो 200 लगा था लेकिन वैक्सीन कम पड़ गई। यहाँ एक शिकायत है प्रधान जी कि यहाँ आशा और ये जो कोटेदार होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रधान तो आप उपस्थित था? नहीं नहीं, लेकिन ये दो लोग अनुपस्थित। आशा आंगनबाड़ी या कोटेदार जाते हैं गाँव में, फील्ड में घर घर जाकर बुलाते हैं। अब तो बुलाने का समय खत्म हो गया। सुबह आए थे सब लोग, कह